स्टूडेंट्स, माई सेल्फ योगेंद्र त्यागी। टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 9.2 क्लास 8। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट, इफ द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स द रेट ऑफ 6% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली इज ₹12,000, फाइंड द प्रिंसिपल। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो अमाउंट है वो आफ्टर 2 ईयर 6% के रेट पर 12,000 हो जाता है। तो यहाँ पर हमें प्रिंसिपल स्टूडेंट नहीं पता है, हमें प्रिंसिपल यहाँ पर फाइंड करना है। अमाउंट है यहाँ पर ₹12,000 और रेट है स्टूडेंट यहाँ पर 6% पर एनम, 6% पर एनम, और इसके अलावा टाइम 2 ईयर्स। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमें जब प्रिंसिपल को फाइंड करना है, अमाउंट हमारे पास है, तो हम कंपाउंडेड जो है एनुअली के अकॉर्डिंग जब हम अमाउंट फाइंड करते हैं तो फॉर्मूला हम ये यूज़ करते हैं, ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर एन। अमाउंट यहाँ पर है, गिवन है स्टूडेंट 12,000, प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, फाइंड करना है, 1 प्लस रेट 6 अपॉन 100 की होल पावर 2। टाइम यहाँ पर दिया हुआ है स्टूडेंट 2 ईयर। नेक्स्ट स्टेप देखिए स्टूडेंट, 12,000 इक्वल टू पी मल्टीप्लाई 106 अपॉन 100 की होल पावर 2। क्लियर स्टूडेंट? अब देखिए स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं यहाँ पर तो पी इक्वल टू 12,000 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन में 106 इंटू 106। और अगर हम इसका कैलकुलेशन करते हैं स्टूडेंट, तो देखिए 12,000 में 30 है, 3 प्लस 2 5 और 2 7, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 अपॉन 106 इंटू 106। अगर हम इसको कैलकुलेट करें स्टूडेंट, सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर 106 इंटू 106 अगर हमने इसको जब मल्टीप्लाई किया तो कैलकुलेट करने पर 11236, और इससे जब हम इसको डिवाइड करते हैं ऊपर वाली डिजिट को, तब हमारा आंसर आएगा 10,679.96 रुपीज़। सो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल फाइंड करना था और अमाउंट था 12,000 रुपीज़, तो हमने यहाँ पर प्रिंसिपल फाइंड कर लिया है 10,679.96। स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, और क्वेश्चन है, इन व्हाट टाइम विल 10,000 रुपीज़ अमाउंट टू 12,100 रुपीज़ एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। क्वेश्चन में कहा गया है कि कितने टाइम में 10,000 रुपीज़ जो है प्रिंसिपल, ये 12,100 रुपीज़ हो जाएगा 10% के रेट पर। सो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर हमें प्रिंसिपल है हमारे पास 10,000, अमाउंट भी है हमारे पास 12,100, और रेट है स्टूडेंट यहाँ पर देखिए 10%, रेट 10% पर एनम। स्टूडेंट, ये प्रिंसिपल और अमाउंट ये रुपीज़ में ही है यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर टाइम फाइंड करना है कि कितने टाइम में 12,100 रुपीज़ अमाउंट हो जाएगा। सो स्टूडेंट, हमें वही सेम फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करना है, ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर एन। अमाउंट 12,100, 10,000, 1 प्लस 10 अपॉन 100 की होल पावर एन। एन हमें फाइंड करना है स्टूडेंट, नंबर ऑफ ईयर के कितने टाइम में ये 12,100 रुपीज़ बन जाएंगे। सो स्टूडेंट, 0 से 0 हमने यहाँ पर कैंसिल की, 12,000
100 इक्वल टू 10,000 इंटू स्टूडेंट 1 + 1/10। जब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 11/10। क्लियर स्टूडेंट? आप देखिए 12,100, 10,000 को भी हमने साइड चेंज किया, अपॉन में आ गया यहाँ पर, इक्वल टू 11/10 की होल पावर n। दो जीरो से स्टूडेंट यहाँ पर दो जीरो हमने कैंसिल कर दी, 1 to 1/100, और 1 to 1/100 को हम लिख सकते हैं 11/10 का होल स्क्वायर, इक्वल टू 11/10 की होल पावर n। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, तो जो बेस है हमारा वो सेम है, 11/10, 11/10। तो जब बेस सेम होता है तो इनकी पावर भी आपस में इक्वल हो जाती हैं, और इसी कारण से n इक्वल टू 2 हो जाएगा। मतलब जो टाइम है हमारा वो आपका आ गया है 2 ईयर्स। यही हमें फाइंड करना था, टाइम, नंबर ऑफ ईयर कितना आ गया स्टूडेंट, 2 ईयर। सो स्टूडेंट, ये इस जो क्वेश्चन है आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, और ये इस एक्सरसाइज 9.2 का लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द रेट और एट विच ए सम ऑफ मनी विल डबल इट्सेल्फ इन 2 ईयर। कोई मनी अपने का डबल हो जाती है इन 2 ईयर्स इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। तो यहाँ पर देखिए, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है स्टूडेंट। हमें यहाँ पर ना तो प्रिंसिपल दिया हुआ है, ना हमारे पास अमाउंट है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिर्फ कोई अमाउंट प्रिंसिपल है जो अपने का डबल हो जाता है 2 साल में। तो देखिए, लेट द मनी बी ₹100। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर ये डबल हो जाता है। इसका मतलब अमाउंट हो जाएगा स्टूडेंट ₹200, डबल हो गया स्टूडेंट। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 2 साल बाद, आफ्टर 2 ईयर, तो टाइम 2 ईयर्स, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है स्टूडेंट। देखिए, फिर से हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, सेम वही फार्मूला इस पूरी एक्सरसाइज में हम कर रहे हैं यूज़। ए इक्वल टू पी 1 + r/100 की होल पावर n। अमाउंट स्टूडेंट देखिए 200, प्रिंसिपल 100, 1 + r/100 की होल पावर 2 ईयर्स। अब देखिए स्टूडेंट, 200/100 इक्वल टू 1 + r/100 की होल पावर 2। दो जीरो से दो जीरो स्टूडेंट यहां पर कैंसिल हो चुकी हैं, आंसर सिर्फ 2 बचा है, और 2 को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट √2 का होल स्क्वायर, इक्वल टू 1 + r/100 का होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, यहाँ भी सिचुएशन, यहाँ पर हमारी पावर दोनों साइड में सेम है, लेफ्ट और राइट में पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है। सो इनके बेस भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, और जब बेस इक्वल होंगे स्टूडेंट तो ध्यान दें, 1 + r/100 इक्वल टू √2, r/100 इक्वल टू स्टूडेंट √2 की वैल्यू होती है 1.414, और इस 1 को जब हम साइड चेंज करते हैं तो -1 हो जाएगा यहाँ पर। r/100 इक्वल टू 0.414, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो r इक्वल टू 100 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट 41.4% पर एनम स्टूडेंट, 41.4 ये हमारा रेट आ गया है। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने ये प्रूव किया कि कोई भी मनी अपने का डबल हो जाती है 2 ईयर में तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 41.4% पर एनम। क्लियर स्टूडेंट? तो सभी क्वेश्चन आज जो डिस्कस किए हैं आपको क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। आगे नेक्स्ट जो भी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।